नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति असिस्ट ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो जैसे कि मैं अभी हूँ सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे और जाकर मैंने देखा कि DB में वैकेंसीज आ चुकी हैं कोस्ट गार्ड में। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसका जानकारी ले लेते हैं, क्या है, कैसे है, कब तक अप्लाई करना है, क्या इसका लास्ट डेट है, क्या इसका एज क्राइटेरिया है, ठीक है, और क्या इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले तो मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट में कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच 2 2019, ऑनलाइन फॉर्म 2019। ये जो कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसीज है ये मैट्रिक लेवल का आता है, DB का, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच। मैंने आपको बोला था और बहुत सारे बच्चे का इस वैकेंसीज का वेट था कि सर DB का वैकेंसीज कब आता है, तो मैंने बोला था कि आपको हाल ही में जारी किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जल्दी इंडियन नेवी MR का जो वैकेंसीज है उसको भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 से 1 महीने के अंदर अंदर वो भी आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए हम बात कर लेते हैं अभी डोमेस्टिक ब्रांच का। तो देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट जो डेट है 10 मई 2019 को 12:28 पे हुआ है। और यहाँ पे देखिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड आर इनवाइट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक GD इन डोमेस्टिक ब्रांच 2 2019। दिस क्लास 10th कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट एंड कम्प्लीट द ऑल एजुकेशन एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का ये वैकेंसीज है जिसमें कि दो पोस्ट है, नाविक कुक और स्टीवार्ड का। ठीक है, जो कि ये बैच है 2 2019 बैच का वैकेंसीज आ चुका है। और यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की हम बात कर लें तो आपका जो स्टार्ट होगा 5 तारीख 6 महीने 2019 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा भरना, और लास्ट डेट है 10 6 2019 तक चलेगा। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की तो 20 से 26 जून के अंदर अंदर ये आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, और यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो आपके जुलाई के मंथ में ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, फ़ी के मामले में बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल फ़ी लगने वाला नहीं, SC ST हो या OBC हो, किसी को फ़ी नहीं पे करना है। और यहाँ पे देखिए, पोस्ट जो है कुक के लिए है, स्टीवार्ड के लिए, ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 22, एज ऑन 1/10/2019 के अगर बीच में अगर जिनका एज है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनका ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास क्लास 10th एग्जाम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इन इंडिया। आप किसी भी, अगर आप इंडिया में रहते हैं किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th क्लास पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर जनरल OBC 50% मार्क्स चाहिए, फॉर SC ST 45% मार्क्स चाहिए। फॉर मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, ठीक है, और अच्छे से आप लोग नोटिफिकेशन के द्वारा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 5/6/2019 से, और डाउनलोड नोटिफिकेशन करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है। ठीक है, तो आप लोग जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो भी ये नोटिफिकेशन, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि क्या इसका प्रिपरेशन चलने वाला है, कैसे चलेगा, क्या इसमें सिलेबस है, मैं पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगा। अगर इसमें देखिए रनिंग की हम बात करें तो सेम रहता है, नेवी MR हो या ये, एकदम सेम रहता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसका फिजिकल और उसका फिजिकल सेम रहता है, थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा इसका अंतर हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक पे एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।